देवस हर फ्लावर की फोटो खींच रहा है। यहाँ पर इतनी ज्यादा वैरायटी है रोज की, इतने प्यारे प्यारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू देसी सिबलिंग। हमारे फादर्स डे व्लॉग के पार्ट टू में आपका स्वागत है। फादर्स डे व्लॉग के पार्ट वन में आपने देखा कि हमने स्ट्रॉबेरी पिकिंग की और रेसबेरी पिकिंग की और यहाँ फार्म्स पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके आगे हमने क्या क्या किया ये जानने के लिए इस व्लॉग में बने रहिए। चेरी पिकिंग से वापस आके हमने दिन में लंच किया और थोड़ी देर आराम किया और अब हम दोबारा रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। और इस बार हम जा रहे हैं रोज गार्डन। हाँ, और देविता तो रेडी हो के बाहर खड़ी हो गई है। हमारे लिए भी वेट करो। मैं वेट कर रही हूँ। ओह, हाउ मेनी मिनट्स आर यू गोना टेक? 2 मिनट्स। मम्मी भी रेडी है, बस देवस को आने दो। रेडी? देविता, देवस अपना स्कूटर लेके जा रहे हैं वहाँ पे, वो अपने स्कूटर से चलेंगे क्योंकि ओके, साइकिल नहीं ले जानी। और हम लेके जा रहे हैं अपने लिए चाय बिस्किट, समोसे भी होने चाहिए थे। तो अब हम पहुंच गए हैं एलिजाबेथ पार्क जो कि हार्टफोर्ट में है और इसका दूसरा नाम है रोज़ गार्डन, क्योंकि इस मौसम में यहाँ बहुत सुंदर और अलग अलग वैरायटी के रोजेस होते हैं। और अंदर आके हमें अच्छे से पार्किंग मिल गई है। हाँ, हम इस पार्क में पहले कई बार आए पर ये वाली पार्किंग हमें पता नहीं थी, अंदर अंदर जाके है, बढ़िया से पार्किंग मिल गई है। चलो, और काफी भीड़ हो रही है आज। ये है रोज पार्क, रोजेस तो काफी है अभी। सात बजे लिखा था, क्या हो गया? गुच्छे, ओ कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो। आजा देवस, फ्लावर नहीं तोड़ना। इसमें काटते हैं, देखो देवस यहाँ पे फ्लावर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये नीचे से ले लो, नीचे से। नीचे से। वाव, देयर्स आल्सो पिंक पेटल्स। देवस देवस तोड़ना नहीं। देवस सुबह स्ट्रॉबेरी पिकिंग करके आया तो उसको लग रहा है फ्लावर पिकिंग भी कर सकते हैं। ओ देवस, हमें थोड़ा सा आने में देर हो गई, फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गए, मुरझा गए, पर स्टिल अभी काफ़ी फ्लावर्स हैं। ये दिख, आ जाओ आ जाओ। ज़्यादा भीड़ है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए स्पॉट ही नहीं मिल रहा है, सब जगह लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। कहाँ घूम रही हो? आ जाओ, पापा और देवस उधर चले गए। हाँ, ये देखो, ये रे वाइट रोजेस। दीविता देखो, ये देविता दे रही है पोज, और देवस खींच रहा है फोटो। गुड जॉब दीदी का। अरे मम्मी का खींच रहा है। देवस आ जाओ, एक और खींचते।
इतनी अच्छी लोकेशन है कि हर कोई फोटोग्राफर बनने को मजबूर हो गया है। यहाँ के ना भी झाड़े नहीं है। हाँ, रेड वाला फ्लावर है, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, फोटो खींच रहे हो? देवस हर फ्लावर की फोटो खींच रहा है। यहाँ पर इतनी ज्यादा वैरायटी है रोज की, इतने प्यारे प्यारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। इस पेड़ में मल्टीपल कलर, हाँ एक ही में मल्टीपल कलर है। एक ही पेड़ में ऐसा येलो पिंक येलो ऑरेंजिश व्हाइट सारे एक ही में। माय गॉड, ये देखो कितना प्यारा कलर है। लुक एट दिस। हाँ ये है दूसरा शेड, लाइट पिंक के ऊपर डार्क पिंक की छींटे। इतने वैरायटी ऑफ रोजेस और यहाँ पे सब जगह चल रहा है फोटोशूट। आजा, इधर रखा है, इधर चला। हाँ इधर रखा है। ये हमारे शूज पे सुबह हम स्ट्रॉबेरी पिकिंग करने गए थे तो जो स्ट्रॉबेरी नीचे पड़ी थी उनका रस चिपक के पूरे शूज खराब हो गए। अद्विता को जाना है पार्क, इस एलिजाबेथ गार्डन के दूसरी तरफ एक पार्क है जहाँ पे स्विंग्स हैं स्लाइड्स हैं, अद्विता को वहीं जाना है। क्या चाहिए? जाओ पापा के साथ फोटो खिंचा लो। मौसम हो रहा है एकदम सुहावना, एकदम अच्छी सी हवा चल रही है। ये देखो देविता कैसे लग रहा है कि पेड़ नाच रहे हैं जैसे ना। देवस मम्मी का हाथ पकड़ो। अब हम पहुंच गए हैं एलिजाबेथ पार्क के दूसरे सेक्शन में। यहाँ ये प्लेग्राउंड है जिसे आते हुए बच्चों ने देख लिया था तो इनको यहाँ आना था। पूरा पार्क में इनका मन ही नहीं लग रहा था, इनको था कि बस प्लेग्राउंड में जाना है। प्लेग्राउंड दे दो लाओ। जब तक बच्चे खेलते हैं हम यहाँ पे चाय पियेंगे बढ़िया सी जो हम घर से बना के लाए हैं। ये है हमारी चाय जिसको देख के एकदम से चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बस समोसे और मिल जाते तो पूरा इंडिया वाला फील आ जाता। यहाँ पर द्विता और देवस कर रहे हैं पार्क में इंजॉय, और बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा पार्क में ही आता है। इसके साथ ही हो गई है शाम और वक्त हो गया है घर को वापस जाने का और इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करने का। होप कि आपका फादर्स डे काफ़ी अच्छा गया होगा और आपको हमारा फादर्स डे सेलिब्रेशन का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर।